पंचुकर आज चतुर्थ दिन कार्तिक मास शुक्लपक्ष वैकुंठ चतुर्दशी तिथि श्रीमंदिर में श्रीविग्रह माने डाळिकिया बा लक्ष्मी नृसिंह बेशर भक्तों को दर्शन देवे। आज श्रीजीव मानकर अवकाश नीति शेष होगा पर यह लक्ष्मी नृसिंह बेश आरंभ हो सेवायत मैंने रत्नभंडार आनी विभिन्न प्रकार सुवर्ण अलंकार श्रीविग्रह मानक सजाइबे। सेपटे गतकाली राति 11टा पर्यंत भक्तों महाप्रभु दर्शन करार सुजोग मिलता बेले आज मध्यराती 11टा पर्यंत श्रीमंदिर भक्तों खोला रही मंदिर प्रशासन तरफ कहुई पूर्ववी कोविड गाइडलाइन मुताबक दर्शन व्यवस्था जारी रही जमापड़ी। अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि आलोक आशुतोष। आलोक पंचुकर आज हूँ चतुर्थ दिन एमती पूरा कार्तिक मास जदि आम देखा मानने श्रीक्षेत्र सब भिड़ लगी था हबिशाड़ी भिड़ लगी था जदि कोविड कटका जारी रही से मात्रा रे भिड़ नहीं किंतु भक्तों दर्शन मानने दर्शन करने महाप्रभु भक्तों लंबा लाइन जहाँ देखा मिली तो आज जो मानने लक्ष्मी नृसिंह बेश भी अनुषित हे महाप्रभु तो केमी कौन रही श्रीमंदिर आज नीतिकांति कौन रही दर्शन व्यवस्था कौन रही। निश्चित भाव नीलिमा प्रथम मुझे जगन्नाथ प्रेमी गोटे खुशी खबर देवाक चाहिए। आपड़ जानते गत काली श्रीमंदिर प्रशासन तरफ जो नुआ एसओपी जारी करा राति 11टा पर्यंत आज भक्त श्रद्धा मैंने महाप्रभु दर्शन करेंगे। गत काली राति 11टा पर्यंत महाप्रभु दर्शन करते आज राति 11टा पर्यंत महाप्रभु दर्शन करेंगे कारण जेहेतु आसंता का पवित्र कार्तिक पूर्णिमा सुनावेश अवसर में श्रीमंदिर बंद रही प्रशासन निश्चित भाव गोटे कोहल मनोवृत्ति कर भक्त श्रद्धा राति 9टा पर राति 11टा पर्यंत जगार चारि जगार द्वार को उन्मुक्त रखिंटे। निहाती भाव में आज पंचुकर चतुर्थ दिन अर्थात आम कहीपर आज कार्तिक चतुर्दशी आज महाप्रभु लक्ष्मी नृसिंह अर्थात डाळिकिया बेशर आज विभूषित हे आउ किसी समय अपेक्षा आ किसी समय पर अवकाश नीति जिते बड़े शेष हम से महाप्रभु लक्ष्मी नृसिंह बेशर विभूषित हे पूरा पूरी दृश्य प्रथम देखा चाहिए। प्रथम आम अगणित दर्शक मानक पतित पावन सान्निध्य नाक कह कारण आप जानते जो भक्त श्रद्धा मैंने श्रीमंदिर जापरें नहीं से पतित पावन को दर्शन करी कृतार्थ हे आम आलोचना करेंगे। आम सहित गवेषक जोड़ लक्ष्मी नृसिंह बेश में महाप्रभु विभूषित हे आज किभि रही नीतिकांति लक्ष्मी नृसिंह बेश में महाप्रभु जो श्री श्रीपयर धारण करता श्रीभुज धारण करता किभली भाव पुष्पाक सेवायत मैंने बेशर सजेबे। लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंब महाप्रभु स्वतंत्र भाव लक्ष्मी नृसिंह बेश धारण करते आज जिते महाप्रभु अवकाश बेश छड़ी तड़प उलागी से सिंगारी सेवक जे कि पुष्पाक सेवक महाप्रभु से अनन्य बेश जे कि लक्ष्मी नृसिंह को लक्ष्मी नृसिंह बेश धारण करेंगे महाप्रभु को से महाप्रभु श्रीभुज किरीटी कुंडल श्रीपयर धारण करेंगे। तापर त्रिमुंडी रे महाप्रभुंकर डाळ सहित फूल संजोग होइतिबा जे कि जरी जंबुरा निर्मित कैथ अठारे संजोग होइतिबा आउ ता सहित सुवर्णर थियाकिया मध्य लागिहितबा परे महाप्रभुंकर एइभली भाबरे शृंगार होइतांती। तापर महाप्रभुंकर हरिडा माळी बाहाडा माळी बाघनखी माळी मध्य महाप्रभु धारण करिबा सदृश्य संपूर्ण भाव में वस्त्रावृत हो तादर उलमाल मध्य लगे थांती आउ जगन्नाथ स्वयं भाव में शंखचक्र धारण कर बलभद्र सेतेबेले हलमुसल धारण कर संपूर्ण भाव में श्रृंगार हो बसी था यही बेश में महाप्रभुंकर जेकि बाल जेकि जगन्नाथ बल्लभ लगी था जेकि बल्लभ भोग लगी था आउ बाल भोग लगी था सका बाल्लभ बाल्य भोग लगी था जहाँकि यही कार्तिक मास रे अन्यतम से भोग लगी सारापर महाप्रभुंकर से बेश उलागी होता है। सकाल धूप जिते शेष हम से महाप्रभु दुर्लभ लक्ष्मी नृसिंह बेश को ओलागी आप जानते पंचुकर प्रथम दिन में महाप्रभु लक्ष्मी नारायण बेश सज्जित होते किंतु महाप्रभु से बेश को देखा कौन भक्त श्रद्धा को छड़ा जा ना कारण कोविड को दृष्टि रखी प्रबल भक्त भिड़ को दृष्टि रखिकी पंचुकर प्रथम दिन में श्रीमंदिर बंद रही रखा जाता द्वितीय दिन में महाप्रभु बांकचूड़ बेश सजी होता है और गत काली त्रिविक्रम बेश में महाप्रभु विभूषित होता बेले आज लक्ष्मी नृसिंह बा डाळिकिया बेश में महाप्रभु को किसी समय पर विभूषित कर अनन्य बेश से अनन्य सुजोग से दुर्लभ मुहूर्त से दिव्य मुहूर्त नीलिमा आ किसी समय पर आसी पहुँच पूरा पूरी भक्तिमय परिवेश सृष्टि श्रीक्षेत्र में समस्त भक्त श्रद्धा मैंने चलचंचल हो पड़ते कि यह भितर गोटे खुशी खबर रोचे जेहेतु आज राति 11टा पर्यंत श्रीमंदिर खोला रही है। निश्चित भाव में समस्त जगन्नाथ प्रेमी भक्त धाई आसुच्च राज्य तथा राज्य बाहर दूर दूरांतर धाई आसुच्च महाप्रभु को महाप्रभु को दर्शन कर सानिध्य ने जेहेतु आसंता काली आम कहीपर पवित्र कार्तिक व्रत राजा राजेश्वर बेश महाप्रभु सुना बेश विभूषित हे किंतु
କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା। କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରଖିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜି ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରଖାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ, ଏ ରେକ୍ଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ।